नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब चेहरे पर या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर किसी भी कारण से स्किन डिजीज़ जैसे कि सनबर्न, झाइयाँ या मुहासे वगैरह हो जाते हैं तो उनमें तकलीफ तो होती ही है, पर साथ में पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। इस तरह की तकलीफ में पेशेंट को मेडिसिन के ओरल इंटेक के साथ साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्मल स्किन में क्या लगाए, ऑयली में क्या लगाए, सनबर्न के लिए क्या यूज़ करें या एक्ने के लिए क्या यूज़ करें। तो दोस्तों, आज हम चार ऐसी होम्योपैथिक क्रीम को रिव्यू करने वाले हैं जो इस तरह की तकलीफ़ों को क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें नंबर वन पे क्रीम है सिल्क एंड स्टे। यह SBL कंपनी का होता है और इसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले लोग लगा सकते हैं। मींस नॉर्मल स्किन वाले लोग भी इसे लगा सकते हैं और सेमी ऑयली स्किन वाले लोग भी इसे लगा सकते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों की जो स्किन होती है चेहरे की, वो कहीं पे ऑयली होती है और कहीं पे नॉर्मल होती है। जैसे किसी किसी का वी जोन होता है और किसी किसी का टी जोन होता है, और जिसकी पूरी फुल्ली ऑयली स्किन है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह कैलेंडुला और एलोवेरा का परफेक्ट बैलेंस है। आप इसे नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि यह एंटी एजिंग भी है, एंटी रिंकल भी है और झाइयाँ भी इससे बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। इसमें नंबर टू पे जो क्रीम है वो है एक्वीफोलियम। यह मेडिसिंथ कंपनी की होती है और ये बर्बरिस, एक्वाफोलियम, थूजा और कैलेंडुला का परफेक्ट बैलेंस है। दोस्तों, जब लोगों को एक्ने हो जाते हैं और ब्लैक और वाइट कॉमेडॉन्स मिलते हैं, मतलब कीले हो जाती हैं काले कलर की, और उसके बाद जब वो कीले निकल जाती हैं तो जो पिट्स या स्कार छूट जाते हैं, उन सब पे यह क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, इस क्रीम को चेहरे पर रात में लगाना है। पहले चेहरा अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इस क्रीम को ओवरनाइट लगा सकते हैं। इस कड़ी में तीसरी जो क्रीम है वो है विच हेजल क्रीम। यह मेडिसिंथ कंपनी की आती है। दोस्तों, यह हेमेमलिस का और कैलेंडुला का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे हम सनस्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मींस जब सन में रहने के कारण, बहुत टाइम तक सूरज की रोशनी में रहने के कारण सनबर्न हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? आप जब भी सूरज की रोशनी में जाते हैं तो आप इस क्रीम को चेहरे पर और बॉडी के एक्सपोज पार्ट पर लगाकर निकल सकते हैं। इस कड़ी में चौथी जो क्रीम है वो है एक्वी प्लस। ये हैप्को कंपनी की आती है और ये हाइड्रेस्टिस, कैलेंडुला, बर्बरिस, थूजा, लिडम और कुमकुमालोंगा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, यह क्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, और ऑयली स्किन के साथ साथ जिन लोगों को एक्ने हो जाते हैं, चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, काली और सफ़ेद कीले हो जाती हैं, उसके कारण चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, इस जो क्रीम है इसको भी रात को अप्लाई करके सो सकते हैं। दोस्तों, यह थी चार होम्योपैथिक क्रीम जिनको यूज़ करके आप अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको मेडिसिन का ओरल इंटेक भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।